हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीडी एजुकेशन। तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर। जैसे कि आप देख रहे हो कि टेबल बनी हुई है, तो इसमें क्या क्या करना है वो भी बताऊंगा, प्लस टाइप्स ऑफ पार्टनर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनर में सबसे पहला आता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि वो बहुत एक्टिव है, वो हर चीज़ में अपनी एक्टिविटी करता है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, तो वो एक्टिव पार्टनर। मतलब कि एक्टिव पार्टनर डेली ऑफिस जा रहा है, ऑफिस के सारे जो भी डीलिंग्स है वो डील करता है, ऑफिस के जितने काम है वो पूरे कर रहा है। तो एक्टिव पार्टनर के लिए क्या हुआ, एक्टिव पार्टनर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, पूरी ऑफिस डीली जा रहा है। अगर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो पार्टनरशिप का फर्ज बनता है कि यार वो पैसा लगा रहा है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों ना शेयर दें, शेयर प्रॉफिट लॉस में मिलेगा। अब क्योंकि सारे काम पार्टनरशिप ये कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी खुद की भी तो बनती है, या अगर कुछ मेरे वजह से लॉस होगा तो लायबल मैं हूँ, तो इसलिए लायबिलिटी भी इसकी रहेगी, अनलिमिटेड होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, ये हुआ एक्टिव पार्टनर। सेकेंड आता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर मतलब कि सोया हुआ पार्टनर, नाम से याद रखो स्टूडेंट, कि सोया हुआ पार्टनर है ये, एक्टिव नहीं है, ये थोड़ा सा सुस्त है। ठीक है, आप एक काम करो, मेरे से पैसे रख लो, आप मैं आ जा नहीं सकता, तो आप एक काम करो, बस मैं पार्टनर ज़रूर हूँ, आप मेरे पैसे रख लो। तो यानी कि पैसे रख लो मतलब कि कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, अब कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो पार्टनरशिप का फर्ज बन रहा है, इसको भी देना था प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी इसकी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा ले रहा था पार्टनरशिप के, तो काम कर या ना कर भैया, पर तुम जो काम करेगा उसमें लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी, तो लायबिलिटी लिमिटेड है। हाँ, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वोटिंग राइट वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्लीपिंग है भाई, तू आ नहीं रहा था तो किस हिसाब से वोट लेगा, तू किस हिसाब से मैनेजमेंट में आएगा जब तू आए स्लीपिंग पार्टनर वाली कैटेगरी में। ठीक है, थर्ड आता है नॉमिनल पार्टनर, लेते हैं नॉमिनल पार्टनर। ओके, नॉमिनल पार्टनर नाम का पार्टनर, सिर्फ नाम चाहिए, क्योंकि मैंने मान लो पार्टनरशिप अभी नई नई बनाई है, मैं चाह रहा हूँ कि बहुत दुनिया को पता लग जाए मेरे पार्टनरशिप का, ऐसा क्या करूँ कि दुनिया को पता लग जाए। वो एक काम करता हूँ कि मैं शाहरुख खान को ले लेता हूँ। ठीक है, मैं शाहरुख खान का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं काम करता हूँ कि अपना पार्टनर या अगर मेरा पार्टनर शाहरुख खान हो तो दुनिया को पता लगे शाहरुख खान मेरे पार्टनरशिप का पार्टनर है, तो कितनी ज़्यादा पार्टनरशिप चलेगी मेरी, कितने लोग आएंगे मेरे पार्टनरशिप में, मेरी कितनी भी डीलिंग बनेगी, क्योंकि मैं बताऊँगा पार्टनर कौन है हमारा, शाहरुख खान। ठीक है, तो अगर शाहरुख खान के पास ले गए, शाहरुख खान को बोला कि हमने पार्टनरशिप बनाई है, क्या हमारे यहाँ पार्टनर बनोगे, शाहरुख खान हमारा पार्टनर, चलो ठीक है आप मुझे क्या दोगे। अब पार्टनर इसके अंदर मांग रहा है कि आप मुझे क्या दोगे, तो पार्टनरशिप कह रहा है मैं आपको गुडविल दे दूँ, गुडविल। अब जो अमाउंट शाहरुख खान को ये पार्टनरशिप पे करेगा तो शाहरुख खान गुडविल रख देगा, जितने भी रुपये हों जितने भी डीलिंग हुई हो गुडविल उन्हें रख देगी। अब शाहरुख खान कह रहा है अब आप मेरा नाम को अपनी पार्टनरशिप में यूज करो, अब मैं आपका पार्टनर हूँ, तो मैं आपका कौन सा पार्टनर हूँ, नॉमिनल पार्टनर। अब देखो नॉमिनल पार्टनर हुआ, अब आप बताओ कि कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करे शाहरुख खान के घर पे हम जाएंगे, शाहरुख खान जी नहीं नहीं आप हमें पैसे दो, आपको कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करना है, आप हमारे पार्टनर बन, अरे क्यों दे, तुम आयो मेरे पास, मुझे ज़रूरत नहीं कि तुम्हारी, तुमको ज़रूरत है मेरी, तो मैं कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करूँगा। भैया कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो क्या मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस दूँ, मैं क्यों दूँ, नहीं दूँगा, जनरली नहीं देना। ठीक है, क्योंकि हम उसको गुडविल दे रहे हैं, कोई सा गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट है क्या लायबिलिटी उसकी रहेगी, लायबिलिटी रहेगी, लायबिलिटी तब भी रहेगी अनलिमिटेड। क्यों, क्योंकि इसलिए पूरी दुनिया को बोला है शाहरुख खान ने कि मैं इसका पार्टनर हूँ, मैं इसका पार्टनर हूँ। अब कुछ भी डीलिंग यहाँ हुई पार्टनरशिप की तो शाहरुख खान की लायबल होता है अनलिमिटेड, इसकी लायबिलिटी तब भी रहेगी शाहरुख खान की।
ठीक है, फोर सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर। स्टूडेंट मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ कि आप नाम से ही याद रखो क्या क्या है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर मतलब कुछ सीक्रेट है, हाँ कुछ तो सीक्रेट होगा इस पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर है। सीक्रेट पार्टनर ये है, असली में ये पार्टनर है, मैनेजमेंट में हिस्सा ले रहा है, उनकी डीलिंग्स कर रहा है, ऑफिस जा रहा है डेली, ये ऐसा ही होता है एक्टिव पार्टनर की तरह। लेकिन ये दुनिया को बता रहा है, ये दुनिया को पता है यार एक पार्टनर है, डेली हमारे साथ आता है लंच करता है, पार्टनर है। अगला आता है ये सीक्रेट पार्टनर, नॉर्मली जाता है लेकिन इसको बताता नहीं है कि मैं पार्टनर हूँ, यानी ये सीक्रेट रखता है अपनी बात, अपनी बात को सीक्रेट रखता है, तो ये हुआ सीक्रेट पार्टनर। तो क्या ये पैसा लगाएगा? हाँ यार डेली मैनेजमेंट में जा रहा है, डेली कर रहा है, पैसा लगाएगा, पैसा लगाएगा तो हमारे लगा ही बनती है पार्टी की पावर लॉस ही होगा। अब क्योंकि एक्टिव पार्टनर की तरह नहीं सब कुछ कर रहा है, तो उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर दो आते हैं, इनको जन होना ये बहुत अनुकूल है। पहला पढ़ते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये कौन सा पार्टनर होता है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मतलब कि वो कोई पर्सन जो कि मान लो पहले पार्टनर था, अब वो रिटायर हो गया, हमने पार्टनरशिप में पढ़ा कि रिटायर भी होता है, और रिटायर हो गया और बाहर लोगों को मिला, रिटायर हो गया बाहर लोगों को मिला, लोगों को तो पता है ना कि उस कंपनी का पार्टनर, सॉरी उस पार्टनरशिप का पार्टनर है, तो हम तो उससे डीलिंग करेंगे, हाँ सर कैसे हो आप, पार्टनरशिप में काम करते हो, ये सब कुछ हम तो उससे पूछेंगे। तो हमारे नज़रों में यानी बाहर की नज़रों में, थर्ड पार्टी की नज़रों में ये आदमी पार्टनर है, बट असली में इन रियलिटी कहीं पार्टनर है नहीं, ये पार्टनर नहीं है, ये पार्टनर का होल्डिंग ऑन में आया हुआ है, यानी वो आदमी जो दूसरों को लग रहा है कि वो पार्टनर है, और उसको खुद भी पता है कि दूसरे मेरे को ये सोच रहे होंगे यार मैं इस पार्टनरशिप का पार्टनर हूँ, तो वो पार्टनर वो पर्सन होल्डिंग ऑन में आएंगे। ठीक है, तो क्या यू कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? अरे कहाँ कर रहा है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसको ये तो छोड़ चुका है, रिटायरमेंट कर चुका है, ठीक है, तो रिटायरमेंट कर चुका है तो होल्डिंग ऑन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, नहीं कर रहा भैया, अब उनकी जो दुनिया के साथ डीलिंग कर रहा है, दुनिया तेरे को पार्टनर मान रही है, अगर कुछ रिस्क होएगा तो भैया तू डील करेगा, तो तेरी लाइबिलिटी भी लिमिटेड है। ठीक है, ये पार्टनर का होल्डिंग आउट हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पार्टनर बाय एस्टॉपल, पार्टनर एस्टॉपल होगा। ओके, एग्जांपल लेते हैं, पार्टनर एस्टॉपल एक वो आदमी जो खुद बोल रहा है, या तो मुंह से बोले या लिख के बोले, भैया मैं इस पार्टनरशिप का पार्टनर हूँ, आप मेरे से डीलिंग करो, कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं बैठा हूँ ना। ऐसे भी कई लोग होते हैं, मान लो पार्टनरशिप पर जा रहे हो, आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो, आप मेरा स्टेयर चढ़ रही है सामने, पार्टनरशिप ऊपर जा कर फर्स्ट फ्लोर पे है, तो नीचे ही आदमी खड़ा हुआ है, आप जैसे स्टेयर पे चढ़ने के नीचे आदमी मिला, नीचे आदमी ने बोला हेलो सर मैं इधर का पार्टनरशिप का पार्टनर हूँ, आप मेरे से डीलिंग करो, क्या काम करवाना है आप, कई लोग आपको मिले होंगे ऐसे लग रहा है काम करवाने जाते थे, और जो नीचे खड़ा है सीढ़ियों में जो खड़ा है वो अब मुझे खुद कह रहा है कि मैं पार्टनर हूँ, दरअसल आप ऊपर जाओ और उसका नाम लो, पार्टनरशिप में वो पार्टनर नहीं है, वो नॉर्मली नीचे आके बोल रहा है मैं पार्टनर हूँ आपको क्या काम करवाना बताओ। तो ये आदमी जो नीचे खड़ा होकर बोल रहा है मैं पार्टनर हूँ, तो वो हुआ पार्टनर बाय एस्टॉपर, जो खुद कह रहा है वो पार्टनर हूँ, वो पार्टनर बाय एस्टॉपर। तो क्या ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर जब कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट देने आया, नहीं आया ना, तो ये कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, भाई नहीं कर रहा था मैं तो प्रॉफिट लॉस भी नहीं दूंगा, क्योंकि तू नीचे खड़ा होकर सबको बोल रहा है कि मैं पार्टनर हूँ, कुछ भी लॉस हुआ कुछ भी डैमेज हुआ तो तेरी लाइबिलिटी भी क्या रहेगी, अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये थे चलते थे, तो ये सब कुछ जगह तो डिजाइन कर लेते हैं। एक्टिव पार्टनर क्या था, बहुत चूज था, डेली डेली शुरू होता है, जल्दी जल्दी सारे के सारे मैनेजमेंट में काम करता है, डेलिंग करता है, तो यानी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ये डेली जा रहा है, प्रॉफिट लॉस मिलेगा, लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड रहेगी। अगला सी भी बड़ा सोया हुआ पार्टनर, नहीं यार मैं काम नहीं करता, तब मुझे पैसे ले लो, पैसे ले लो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, लाइबिलिटी फिर भी अनलिमिटेड। नॉमिनल पार्टनर शाहरुख, नॉमिनल पार्टनर नाम यूज करो, मेरे को क्या दोनों की अगर मैं बोल दी क्या मैं कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करूँगा, नहीं करूँगा, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करा, प्रॉफिट लॉस नहीं मिला, लाइबिलिटी फिर भी अनलिमिटेड।
ये नहीं बताना चाहते उसको तो वो कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट है क्या मेरे पास एग्रीड कर तो अपने लॉक में जाए मैं मुझे ये बताएगा कि नेक्स्ट होल्डिंग ऑफ खुद बता नहीं रहा किसी को, लेकिन दूसरों को तो वो पार्टनर ही लग रहा है। रिटायरमेंट के बाद मिलने जाएगा, डेथ के बाद मिलने का तो लोग डर जाएंगे, डेथ के बाद मिलने नहीं जाएगा, डेथ के बाद तो मर गया। रिटायरमेंट के बाद लोगों से मिलने गया तो लोगों को तो ये पार्टनर लगा था, लोगों ने क्या बोला कैसे डीलिंग हम कर लेंगे, लोग तो कर लेंगे उसके नाम तो वो पार्टनर है तो वो आदमी वो होल्डिंग ऑफ तो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो अपन लॉस नहीं मिलेगा, लायबिलिटी फुल अनलिमिटेड है। स्टॉप पर नीचे से बिना करा के क्या कर रहा है, नीचे से बिना करा कर तो बोल रहा है वो अनलिमिटेड है, पैसा ऊपर नहीं देंगे हम तो अपन लॉस कर तो किया भी है। ठीक है, ये वो टाइप्स ऑफ फाइनेंस मैंने कोशिश की है कि आपको इजी लैंग्वेज में बताऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फ्रेंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। नेक्स्ट अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से डाल दूँ और इजी तरीके से। ठीक है।